दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खबर, उम्रे के तीसरे मरहले का आगाज हो गया। कई मुल्कों से उम्रा जायरीन की सऊदी अरब आमद, रोजाना 20,000 अफराद को उम्रे की इजाजत होगी। सऊदी अरब पहुंचने वाले उम्रा जायरीन 3 दिन होटल में करंटीना रहेंगे। जायरीन को 10 दिन सऊदी अरब में रहने की इजाजत होगी। फेस मास्क, सैनिटाइजर और समाजी फासला रखना जरूरी करार। चीनी खरीदने पर मजबूर, कहते हैं कि मार्केट में चीनी 110 रुपए फी किलो मिल रही है। हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी फराहम करने की अपील करते। 110 रुपए किलो चीनी आम जिंदगी देने पर उनको बाद महंगाई है। 500 रुपए गरीब आदमी चाह के घने में वो क्या आटा घिने, कोई चीज नहीं मिलती। सागो गरीब आदमी ऐसा कहे वनो आम स्टोरें तो सरकारी स्टोर तो नहीं मिल रही, आम स्टोरों तो मिल रही है, उतना तो बिल्कुल महंगी है। 110 रुपए भला उनके को घाट देने नहीं, इतना दें तो चीनी क्या नहीं। शहर औलिया में आटे की किल्लत, आटे के 20 किलो के थैले का हुकूमती रेट 860 रुपए, लेकिन मार्केट में 15 किलो का थैला 920 रुपए में फराहम किया जा रहा है। शहरियों का निर्फ नाम में कमी लाने का मुतालबा। मुल्तान में सस्ते सहूलत बाजार शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम, बेशतर बाजारों में चीनी नायाब हो गई। आटे के हसूल के लिए भी शहरियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों ने कहा कि सस्ते बाजारों में अशिया खुरनोश की कीमतों में ज्यादा फर्क नहीं, फल और सब्जियों की क्वालिटी खास नहीं है। चीनी भी नहीं है इधर और आटा, ये जैसे 10 किलो का थैला देते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद होगा ही नहीं। आटा भी खत्म हो गया और लाइन भी बहुत लंबी है, बहुत सारे आदमी खड़े हैं। जिस गवर्नमेंट में लाइन लगा के राशन मिले वो गवर्नमेंट कैसी हो। खान सरगोधा में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर 230, मटर 300 रुपए, शिमला मिर्च 240 रुपए में फरोख्त होने लगी। लहसुन 20, प्याज 15 और टमाटर 10 रुपए फी किलो महंगा हो गया। लहसुन 20 रुपए महंगा होकर 170 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का हुकूमत से सब्जियों के रेट्स में कमी लाने का मुतालबा।